रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम कराची की फेमस रेसिपी तवा कलेजी बनाने लगे हैं, तो आप सब से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। जी व्यूअर्स, हमने 3 पाव कलेजी ले ली है। ये हरे मसाला जात का पानी है। ये हमने पेस्ट बना लिया है। 4-5 हरी मिर्चें हैं, मुट्ठी भर पुदीना है, लहसुन अदरक। इसके बाद खुश्क मसाला जात में खुश्क धनिया, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च और नमक कसूरी मेथी शामिल है। उसके बाद कलेजी को हमने खुश्क मसाला जात और हरे मसाला जात लगा के तकरीबन 1/2 से 1.25 घंटा इन्हें रख देना है, ताकि ये आपस में अच्छी तरह से रच जाए। इसे अच्छी तरह से पहले हमने हिला लेना। इसके बाद हमने फ्लेम ऑन कर लेनी है। तवा चूल्हे पर रख के सही से अच्छी तरह से गर्म होने देना तवे को। फिर हमने घी या ऑयल जो हमने इस्तेमाल करना हो वो डाल लेंगे। तकरीबन ये हमने 1 चमचा घी का ले लिया है, हांडी वाला। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं घी भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसकी लोक का आप देख सकते हैं, जो कलेजी को हमने सब्ज़ और खुश्क मसाला जाल लगा के रखे थे। अब हमने तवे पे कलेजी को डाल लिया है और हमने इसे टोटल 6 से 8 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है। आपको इसकी लुक से अंदाज़ा हो गया होगा, काफ़ी कलर भी चेंज हो गया। अब हमने हरे मसालों का जो पानी था वो हमने ऊपर इसके डाल देना है। जी तो ये तकरीबन कलेजी तैयार हो चुकी है। अब हम ये जो घी इसने छोड़ दिया अलग हो गया है, इस पे हमने रोटियों को लगा लेना है। जी व्यूअर्स, हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है, तवा कलेजी। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि
वीडियो को फुल वॉच किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।